हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिर से वीडियो में आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करूंगा कि आप जो है गूगल एडसेंस अप्रूवल किस तरह से ले सकते हैं, वो भी फर्स्ट अटैम्प में। तो दोस्तों, कई सारे कमेंट कर रहे थे कि हम जो बड़े मुश्किल से अपने चैनल पे 1K सब्सक्राइबर, 4 घंटे का वॉच टाइम कम्प्लीट किया हुआ है। तो दोस्तों, होता है क्योंकि जब नए क्रिएटर जो है बहुत ही आसानी से कंप्लीट नहीं कर पाते हैं इस क्राइटेरिया को, तो जो ये सारी क्राइटेरिया जो आपका कंप्लीट हो जाता है, तो जब आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में बात करूंगा कि आप गूगल एडसेंस को किस तरह से एक ही अटैम्प में अप्रूवल ले सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना होगा कि आपके पहले अपने चैनल का रिव्यू खुद को कर लेना होगा कि आपके चैनल कोई ऐसा कॉन्टेंट ना हो जिससे कि आपको यूट्यूब पॉलिसी का जो है उल्लंघन करता हो, यूट्यूब पॉलिसी के जो है खिलाफ ना हो। तो ऐसी चीज़ें, ऐसे कंटेंट को आपको रिमूव कर देना होगा। और यहाँ पे आपको सारी स्ट्राइक वगैरह चेक कर लेना होगा, कोई भी स्ट्राइक भी ना आपके चैनल पे हो और आपके चैनल पे ऑर्गेनिक बीज हो। तो ये सब चीज़ें को आपको फॉलो करना होगा, उसके बाद ही आप जो मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों, जब आप फर्स्ट टाइम अप्लाई करेंगे तो आपको फर्स्ट अटैम्प्ट में आपको बस गूगल टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना होता है, वो जो सिंपल बहुत ही जल्दी से कंप्लीट हो जाता है। लेकिन सेटअप टू में आपको गूगल एडसेंस को लिंक करने के लिए ऑप्शन जो शो होता है वहाँ पे आपको गूगल एडसेंस जो क्रिएट करना होता है। अगर आपने पहले से बना रखा है तो उसे आप यहाँ पे लिंक कर सकते हैं, बट अगर आपने बहुत पहले ही बना रखा, आपको ध्यान ही नहीं है, तो आपको जब आप फर्स्ट बनाएंगे गूगल एडसेंस अपने ही नाम से, तो वहाँ पर आपको ऑलरेडी हैव एन अकाउंट जो गूगल एडसेंस, तो इस तरह से लिख के आ जाएगा आपको। तो दोस्तों, यहाँ पे आप जो अपने ब्रदर या सिस्टर के नाम से एक दूसरा गूगल एडसेंस अकाउंट बनाना होगा, क्योंकि इस गूगल एडसेंस की जो पॉलिसी है कि एक आदमी जो एक अपने नाम से पूरे लाइफ में एक ही गूगल एडसेंस अकाउंट क्रिएट कर सकता है। तो यहाँ पर आपको दूसरे के नाम से बनाने के, दोस्तों यहाँ पर आपको दूसरे का नाम ही यूज करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ आपको अगर सेम एड्रेस है तो वहाँ पे कुछ चेंजेस करना होगा जिससे कि आपको अप्रूवल मिलने में कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्तों, ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद दोस्तों, अगर आपने कोई अकाउंट नहीं क्रिएट किया हो, तो जब आप गूगल एडसेंस अकाउंट क्रिएट करेंगे तो वहाँ पर आपको सब कुछ जो है आपके जो भी कागज़ वगैरह में जो आपके डॉक्यूमेंट में सेम स्पेलिंग के साथ सेम नेम के साथ जो आपको फिलअप करना होगा जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो, कोई एरर ना शो हो। तो यहाँ पे आप दोस्तों, मैं फर्स्ट टाइम जो अप्लाई जो करेंगे तो जो भी आपके बैंक में नाम है वही यहाँ पे आप जो है इंटर करना होगा। तो इसके बाद दोस्तों, जब ये सब कंप्लीट हो जाएगा तो आपको सेटअप 3 में आपको क्लिक करना होगा जिससे कि आपका जो है रिव्यू में आपका चैनल चला जाएगा और आपका यूट्यूब टीम जो है 24 घंटे के अंदर उसे रिव्यू करेगा, जिससे सब कुछ सही मिलता है आपके चैनल पे, सब कुछ कोई फॉल्सी वगैरह देखने को नहीं मिलता है, आसानी से आपके चैनल को मोनेटाइज कर देंगे। तो इस तरह से दोस्तों, आप जब अप्लाई करेंगे तो आपको इनेबल आपका मोनेटाइजेशन जो है इनेबल हो जाएगा आसानी से। तो आपको इन सब चीज़ों को फॉलो करना होगा। अगर आप फिर भी कोई दिक्कत होगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अच्छी लगे तो वीडियो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों, अगर वो चैनल में नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही में बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लेना। अब मिलेंगे किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।